वो मंदिर जहाँ महिला पुजारी ही करती है पूजा, जहाँ जाने से होती है पुत्र की प्राप्ति और ठीक हो जाते हैं असाध्य रोग। वो मंदिर जहाँ लगता है लिट्टी चोखा का मेला, जहाँ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं हजारों श्रद्धालु। सनातन धर्मावलंबियों के जन जन में बसे भगवान राम ने वनवास से पहले भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ देश के कई हिस्सों में भ्रमण किया था और शत्रुओं का विनाश किया था। सबसे पहले वे गुरुकुल गए थे और फिर उसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ वे वन में गए थे, जहां उन्होंने ऋषि मुनियों द्वारा किए जा रहे यज्ञ को दानवों से बचाया। राम जब अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें गौतम ऋषि का निर्जन आश्रम मिला, जहां उन्होंने श्राप के कारण पाषाण अर्थात पत्थर बनी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज हम आपको बिहारी विहार के इस सेगमेंट में इसी स्थान के भ्रमण पर ले चलेंगे, जो कि आज भी मौजूद है। सीता जी के जन्मस्थली सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में यह स्थान स्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अहिल्या नगरी अथवा गौतम आश्रम मिथिला में ही था। बिहार के दरभंगा जिले के सदर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाला गाँव अहियारी, जिसे अहिरौली भी कहते हैं, यह गांव अहिल्या उद्धार के स्थान के रूप में जाना जाता है। आप यहां कमतौल रेलवे स्टेशन से उतरकर पहुंच सकते हैं। शायद आपको मालूम हो कि भोजपुर वह स्थान था जहां भगवान श्री राम ने ताड़का का अंत किया था। उसके बाद वहां से अपने अनुज लक्ष्मण सहित ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम मिथिला राज्य में प्रवेश करके गौतम आश्रम पहुँचे थे। रामायण के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ अहिल्या का श्री राम ने उद्धार किया था। कहा जाता है कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले, तो उन्होंने जंगल में एक निर्जन स्थान देखा जहाँ कुटिया जैसा दिखाई तो दे रहा था, लेकिन वहाँ कोई ऋषि मुनि या फिर कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देख राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने सारा वृतांत राम लक्ष्मण को बताया। उन्होंने कहा, यह कभी महर्षि गौतम का आश्रम था, वे अपने पत्नी के साथ यहाँ रहा करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की, लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद जब इंद्र वापस लौट रहे थे, तभी गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे। फिर क्रोधवश उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया और कहा कि तुम हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पत्थर बनकर पड़ी रहोगी। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तुम अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकोगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। यह घटना सुनाकर विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, अब तुम अंदर जाओ और अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर दोनों भाई आश्रम के अंदर गए। वहां तपस्या में नीरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। वहां पाषाण बनी अहिल्या पर जब भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ी, तो अहिल्या का उद्धार हो गया। श्री राम के पवित्र दर्शन पाकर अहिल्या एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। अहिल्या का उद्धार हो चुका था और वे श्री राम के दर्शन पाकर धन्य हो गई थी। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ प्राग होते हुए उत्तर दिशा में चलकर विदेह नगरी जनकपुर पहुंचे थे। और आज भी यह स्थान बक्सर शहर से पूर्व दिशा की ओर जाने पर अहिल्या के सबूत तपोभूमि अहिरौली में स्थित है। यहाँ एक बड़ा सा मंदिर स्थापित है, जिसमें भगवान राम सीता के साथ अहिल्या माता की पूजा भी होती है। जानकारी के मुताबिक यह बिहार का इकलौता मंदिर है जहां पुजारी के तौर पर महिला पुजारी मंदिर में पूजा करवाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर वर्ष यहां माता अहिल्या की पूजा अर्चना के साथ 5 दिन तक पंचकोशी मेले का आयोजन किया जाता है। पंचकोशी यात्रा की शुरुआत बक्सर के अहिरौली स्थित माता अहिल्या के मंदिर से शुरू होती है और 5 पड़ाव में 5 दिन चलकर खत्म होती है। इस मौके पर दूर दराज से हजारों श्रद्धालु अहिरौली में माता अहिल्या के मंदिर में आते हैं। अहिरौली में स्थित
माता अहिल्या का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम बक्सर पहुँचे थे तब 5 जगहों पर गए थे और उन्होंने तरह तरह के पकवानों के साथ स्वादिष्ट भोजन भी किया था। लिहाजा प्रसाद के रूप में पहले दिन पहले पड़ाव अहिरौली में पुआ बनता है। लोग उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रत्येक नवम्बर दिसंबर महीने के 5 दिनों तक चलने वाले इस पंचकोशी मेले के आखिरी दिन लिट्टी चोखा बनाया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज के दिनों में ये मेला लिट्टी चोखा मेले के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्धि पा रहा है। मंदिर में भी आंचल नृत्य की प्रथा सदियों से चली आ रही है। यही नहीं, संतान की प्राप्ति के अलावा माना जाता है कि यहाँ आने वाले असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए गोंड समुदाय के नर्तकों से साड़ी के आंचल पर नृत्य कराया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इस तरह देवी अहिल्या आज भी वहाँ की लोक संस्कृति में स्थान रखती हैं। इस स्थान पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।